की नगरी श्री धाम वृंदावन में आश्रमों के ऊपर कब्जे के आरोप आए दिन सुनने को मिलते ही रहते हैं। इसी क्रम में शनिवार की दोपहर को वृंदावन के मोती झील स्थित बेनामी शांति आश्रम के महंत स्वामी रामेश्वरानंद वृंदावन कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी तहरीर के माध्यम से कहा कि उनके आश्रम पर कुछ लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आश्रम का मुकदमा न्यायालय में लंबित है, जिसका निर्णय आना अभी बाकी है, लेकिन निर्णय आने से पहले ही कुछ लोगों के द्वारा आश्रम में असंवैधानिक रूप से कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो आश्रम पर कब्जा करने आए लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं उन्होंने बताया कि जान से मारने की धमकी भरी कॉल को उन्होंने साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि वृंदावन पुलिस उनकी रक्षा करे और उचित कानूनी कार्रवाई करे। जी मैं जी, आज आप कोतवाली वृंदावन आए, क्या कारण है? जी मैं अभी ये बेनामी शांति आश्रम है हमारा, मैं वहाँ का महंत हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वरानंद है। तो मैं यहाँ पर जो समस्या आई है, वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा करना प्रारंभ किया है, जबकि हमारा भी मुकदमा चल रहा है और 145/46 का भी चल रहा है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो उसके भय से उन लोगों ने कुछ और लोगों को शामिल करके उसमें और कब्जा बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी के लिए मैं शिकायत करने आया हूँ कि ठाकुर जी की संपत्ति है, उसको जो है सुरक्षित करना चाहिए, ना कि उसको खुर्द-बुर्द करना चाहिए। इन लोगों ने जो पहले से वहाँ पर जो है अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं, जो फर्जी कागज़ बना करके, और वहाँ पर जो है जो 1964 की जो ट्रस्ट वहाँ का बना हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी ट्रस्टी इसको व्यक्तिगत इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने उसमें दुकानें बना ली, अपना व्यापार, अपनी किराएदार, अपने यात्री ठहराना, उसका निजी कामों में प्रयोग करना। अब कुछ महात्मा लोग भी उनके साथ मिल करके उसी षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, उनका बल बढ़ा रहे हैं, जबकि मतलब हमारे मतलब अधिकारों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इसी की शिकायत करने आया हूँ और मेरी यही, और भी मैं कप्तान साहब के पास भी जाऊँगा। नहीं, बाबा की सरकार हो या किसी की भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। कानून हमारे लिए भी, बाबा का हो चाहे किसी और का हो, कानून तो कानून है ना। कानून अपना काम करना चाहिए। बाबा से मुझे कोई ये नहीं है कि बाबा हैं तो वो मेरी रक्षा करें। अगर कानून के दायरे में आता हो तो निश्चित ही ठाकुर जी की संपत्ति की रक्षा होना चाहिए। मुझे भले ही उसमें कुछ ना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की संपत्ति को कोई खुर्द-बुर्द न करे और इस तरह से मिल करके उसका दुरुपयोग न किया जाए। दूसरे पक्ष में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है? भाई कब्जा करने वाले जो लोग हैं, राजवीर सिंह हैं, नरेंद्र है, मदन है, गुड्डू सिंह हैं, यही लोग हैं। और मुझे आज सवेरे मेरे जो है मित्र हैं और उसके ट्रस्टी भी हैं, हमारे सहयोगी हैं अमृतानंद, उनके मोबाइल पे उन्होंने धमकी दी कि जो है तुमको हम देख लेंगे, वो देख लेंगे, निकल के वो तुम कहीं मिल मत जाना। किसने दी है धमकी? नरेंद्र ने दी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब तुम कहीं मिल मत जाना, कहीं दिख मत जाना। अरे भाई मैं वृंदावन में रहता हूँ, कहाँ जाऊँगा? मतलब अगर मैं वृंदावन में रह रहा हूँ तो मुझे तो एक एक क्षण, वो भी यहीं रहते हैं तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। आपकी मेहनता भी कितना समय हो गया है? मेरी मेहनता ही जो है 20 में हुई थी, सन 20 में हुई थी। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि भाई आप इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे।